तो भाई वेलकम, तो जा रहे हैं आज अपनी बाइक के टायर अपग्रेड कराने, तो जल्दी से निकलते हैं टायर अपग्रेड कराने के लिए। और आज कैमरा वैमरा माउंट कुछ नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं, हमेशा कंटेंट ही आप दिखाते रहो रोड पे, क्योंकि अपग्रेड कराने जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, एक घंटा लग जाएगा पहुँचने में, फिर दिखाता हूँ कौन सा टायर लगा रहा हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं शॉप पे, टायर हमने अपने लिए चूज़ कर लिए हैं, फ्रंट टायर हमने अपना ओपन करा लिया है। तो निंजा में आते हैं बेसिकली नॉन रेडियल टायर, तो हम अपने लिए डला रहे हैं रेडियल टायर, जो कि होने वाला है अपना अपोलो अल्फा H1। तो हम पेयर डला रहे हैं, फ्रंट और बैक दोनों चेंज करा रहे हैं, जिसमें नॉर्मल टायर आते हैं, रेडियल नहीं आते हैं, तो जल्दी से चेंज कराते हैं, फिर दिखाता हूं। तो रॉबिन भी शॉप पे आ चुका था और फ्रंट टायर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब अपना रियर टायर इंस्टॉल हो रहा है। तो रॉबिन वीडियो बना रहा था और मैं टायर इंस्टॉल कराने में हेल्प कर रहा था। लुक जो है वो टायर की आपको कैसी दिख रही है वो भी आपको वीडियो बताई जाएगी, तो जब तक आप वीडियो देखिए टायर कैसे है और कहाँ पर हमने डाला है ये भी। तो रियर टायर हमने डलाया 150/60/17 और फ्रंट हमारा वो स्टॉक ही है 110/70/17। तो थोड़ा वाइडर अपग्रेड किया है, फ्रंट का इसलिए अपग्रेड नहीं किया वाइड क्योंकि फिर उस हैंडलिंग में इशू आता है। तो पीछे से अपनी बाइक की लुक थोड़ी ऐसी दिख रही है H1 के बाद, और टायर हमने बुलाया है बदरपुर में JKM टायर्स हैं, वहाँ से ये इनकी शॉप है, ये इनका शॉप नंबर है, ये इनका मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं। राइड एक्सपीरियंस बात में बताएंगे कि बाइक कैसे चल रही है सब पहले से।